हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यह है पाइथन और MySQL की सीरीज। इस सीरीज में आपका एक बेसिक पाइथन का नॉलेज होना ज़रूरी है और साथ ही आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं। तो आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें MySQL और पाइथन के बीच में कनेक्टिविटी आपके लिए एक इशू है, तो वो कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। इस सीरीज़ में मल्टीपल वीडियोस हैं, एक एक वीडियो में एक एक बात हम करने वाले हैं। जैसे आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पहले आपके सिस्टम पे एक तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, दूसरा इंस्टॉल होना चाहिए MySQL। जब आप MySQL इंस्टॉल करेंगे तो आप साथ में MySQL का पाइथन कनेक्टिविटी के लिए जो ड्राइवर होता है वो भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लिंक्स पर जाके आप MySQL को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री है, और उसके बाद फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब इंस्टॉलेशन विजार्ड चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछता है, आप वो आसानी से मुझे लगता है कर लेंगे। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस। अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपने MySQL को डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है, पाइथन आपके पास है, और अब आपकी असली प्रॉब्लम शुरू होती है कि कैसे हम कोडिंग करें जिससे कि कनेक्टिविटी होगी। दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आपने MySQL और पाइथन के बीच में कनेक्टिविटी के लिए ड्राइवर को कर लिया होगा इंस्टॉल, और ये ड्राइवर का लिंक भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए PIP कमांड को यूज़ कर सकते हैं। PIP इंस्टॉल से हम पाइथन में किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, तो वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, और इसके लिए जो कमांड लिखनी पड़ेगी वो कमांड भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये कमांड को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये तो हुई प्री रिक्वेस्ट, यानी आपको क्या पहले से मालूम होना चाहिए, क्या इंस्टॉल होना चाहिए। अब बात करते हैं सीधे सीधे हम कोडिंग की। तो पहले मैं आपको कोडिंग कराऊं, उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम MySQL क्लाइंट विंडो को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं MySQL क्लाइंट विंडो को ओपन कर रहा हूँ, और ये MySQL क्लाइंट विंडो में मैं बाय डिफ़ॉल्ट एज अ रूट यूज़र, मतलब जो यूज़र नेम है दैट इज़ रूट ROOT, और अब वो मेरे से मांग रहा है पासवर्ड, और वो पासवर्ड जो मांग रहा है वो मैंने रखा है एडमिन, इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ एडमिन, और मैं लॉगिन कर गया हूँ MySQL से। ये MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ये MySQL नहीं है, MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर मुझसे कम्युनिकेशन करवाता है, ये मीडिएटर है जिससे कि मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं MySQL सर्वर तक। MySQL सर्वर ही मेरे लिए डेटाबेस बनाएगा या टेबल्स बनाएगा या जो भी ऑपरेशन मुझे कर रहे होंगे। यहां पर मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे और भी यूजर हो सकते हैं जो कि MySQL सर्वर से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो मेरा कनेक्शन आईडी क्या है। तो मैं सिंपली लिखता हूं स्टेटस। स्टेटस एक कमांड है, इसको जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कनेक्शन आईडी, और कनेक्शन आईडी की वैल्यू आई है 44, जिसका मतलब यह है कि एक साथ MySQL सर्वर बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है, बहुत सारे क्लाइंट से एक साथ रिक्वेस्ट आ सकती है। तो बहुत सारे लोग एक साथ MySQL को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये सारे जो अलग अलग यूज़र हैं जब भी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, यानी वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड सही एंटर करता है, तो सक्सेसफुल लॉगिन पर MySQL सर्वर उस क्लाइंट को देता है कनेक्शन आईडी। ये कनेक्शन आईडी की वैल्यू आपका कनेक्शन नंबर है जो कि यूनिक होगा उस समय जितने क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं MySQL सर्वर के साथ। इसी से क्या होगा, जब भी हम कोई कमांड फायर करते हैं और MySQL सर्वर तक पहुंचती है, साथ में ये कनेक्शन आईडी भी बाय डिफॉल्ट जा रहा होता है, जिससे कि MySQL सर्वर को हमेशा पता रहता है कि कौन सा यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है। ये तो हुई टेक्निकल बात, लेकिन अब हमको ये समझना है कि पाइथन में कोडिंग करके हम किस तरीके से MySQL से कनेक्ट होते हैं। तो आइए अब मैं उस कोडिंग पर आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमें जो कोडिंग करनी है, मैं कोई आईडी का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो सिंपल अब जो पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आता है, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, आईडियली जिसको हम बोलते हैं, और उसके थ्रू हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है। मैंने फ़ाइल का नाम जस्ट a6.py रख लिया, और उसके अंदर मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है इम्पोर्ट।
इंपोर्ट आपको करना है MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। इस मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कर लिया है MySQL डॉट, ओके। और इसके बाद आपको सिंपल एक लाइन लिखनी है, आप कुछ वेरिएबल बना लीजिए, मैंने वेरिएबल का नाम रखा है MyDB, आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते हो। और फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं कनेक्ट, लेकिन ये कनेक्ट फंक्शन MySQL डॉट कनेक्टर के अंदर है, इसलिए हम लिख रहे हैं MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये फंक्शन का नाम है। और इस फंक्शन में आपको पास करने पड़ते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें से पहला आर्ग्यूमेंट है होस्ट, ये मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूं, तो पहला है होस्ट और होस्ट की वैल्यू मैंने दे दी है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हम इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि हमारा जो MySQL सर्वर है सेम मशीन पे है, इसलिए अगर किसी और मशीन पे है तो उसका IP एड्रेस हमको देना पड़ेगा। इसके बाद फिर यूज़र, यूज़र की वैल्यू हम लोग देने वाले हैं यहाँ पर रूट, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है MySQL में वो होता है रूट। और उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं पासवर्ड, पासवर्ड की वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे मैंने सेट करके रखा है पासवर्ड एडमिन। आप जब MySQL को डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करते वक्त वो आपसे बोलेगा कि पासवर्ड रख दीजिए, तो आप पासवर्ड जो भी रखेंगे उसको याद रख सकें, ये ज़रूरी है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और फिर मैं एक तीसरी लाइन लिख रहा हूँ जस्ट ये इंश्योर करने के लिए कि कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए पासवर्ड गलत है, यूज़र नेम गलत है या होस्ट नेम गलत है, तो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा कनेक्शन। तो ये प्रिंट कराने के लिए मैं कनेक्शन आईडी प्रिंट करा लेना चाहता हूँ। तो मैं प्रिंट फंक्शन को लिखता हूँ और लिखता हूँ MyDB डॉट कनेक्शन आईडी, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल का नाम लिख लिया। अगर ये कनेक्शन आईडी प्रिंट कर रहा है, कुछ नंबर प्रिंट कर रहा है, दैट मीन्स कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। मैंने इसको पहले कर लिया सेव और मैंने इसको रन किया। आप देखेंगे कि ये चीज़ रन होगी पाइथन शेल पे, आउटपुट इसका दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन आईडी मेरे को मिल चुका है अभी 45। आपको ध्यान हो कि अभी हमने MySQL क्लाइंट विंडो से लॉगिन किया था, तो वहाँ पे कनेक्शन आईडी हमें कुछ और मिल रहा था, शायद 44, तो ये 45 है, जो कि डिफरेंट कनेक्शन आईडी है। एनीवेज, हमने कनेक्टिविटी कर ली है, हमने लॉगिन कर लिया है और पाइथन कोड के थ्रू कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और बहुत बेसिक सी बात है जो मैंने आपको बताई है, और ये कोड भी आप एक बार फिर देख सकते हैं। और इसके आगे अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, इसमें कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, और सारा कुछ हम पाइथन कोड के थ्रू करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, जितना हो सकता है इसको शेयर करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।